नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन में अगर आपने 99 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होने वाला है। अगर आपने हर महीने 303 रुपये का रिचार्ज नहीं कराया तो क्या होने वाला है। हाउ टू ऑनलाइन 3 में आपका स्वागत है। मैं बबलू राघव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने 99 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो हमें 1 GB डाटा फ्री मिल रहा था, आपको वो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 1 मार्च से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन आप अपने जियो ऐप से भी करा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपका जियो पोस्टपेड या प्रीपेड में बदल जाएगा और आपको जियो के टैरिफ प्लान के आधार पर बिल भरना होगा, लेकिन कॉल आपके लिए फ्री होंगी। जो टैरिफ प्लान है वो 50 रुपये में 1 GB, 999 रुपये में 10 GB और 1499 रुपये में 20 GB है। दोस्तों अगर आप 99 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको हर महीने 303 रुपये देने होंगे, जो 1 अप्रैल 2028 तक वैलिड होंगे। 303 रुपये हर महीने क्यों देने होंगे वो मैं आपको बता दूं। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 303 रुपये हर महीने देने होंगे। मान लीजिए अगर आप किसी महीने नेट यूज करना नहीं चाहते हैं तो आपको 303 रुपये नहीं देने। अगर आप जिस महीने नेट यूज करना चाहते हैं तो आप 303 रुपये आपको देने होंगे। मान लीजिए आप अगर किसी दिन नेट यूज करना चाहते हैं तो पर डे आपको 10 रुपये इंटरनेट के देने होंगे, जिसमें आपको 1 GB डाटा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।